औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो न्यू जॉब्स नहीं हैं उनके हवाले से, उनका एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करूँगा, और जो चलान फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं, फ़ी कैसे पे करनी है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने गूगल के ऊपर क्या लिखना है, जॉब पाक जॉब 5.com लिखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें आज हम अप्लाई करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2023। तो ये ओपन हो गई है, इसको हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं इसका। इसमें एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि वीडियो ट्यूटोरियल भी इसके अंदर मौजूद है कि आप किस तरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी वो क्या, अभी उसने वीडियो ऐड नहीं की, अभी थोड़ी देर में वीडियो भी ऐड कर देगा, तो आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो देख के जैसे ये उसने ऑप्शन दिए, ये 30 मार्च और 31 को पब्लिश हुई है, 21 को लास्ट है, जहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए उसने वीडियो का, लेकिन अभी वीडियो पेस्ट नहीं की, वो अभी कर देगा। तो ये जॉब्स हैं जो कि उसने बताई हैं, हार्ड एट ऑफिसर के साथ उसने इनका पे स्केल भी मेंशन कर दिया है। फिर उसने ये उनकी क्वालिफिकेशन ऐड की है, इनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, और ये सारी डिटेल उसने उनकी दी है, सब की डिग्रियाँ बता दी कि क्या क्या रिक्वायर है उसके लिए। उसके बाद हम नीचे हैं, तो नीचे नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर रहा है, तो सब की नंबर ऑफ पोस्ट बता रहे हैं कि कितनी कितनी सीट्स हैं, तो ये सब की सीट्स उसने बता दी, यहाँ पे मेंशन कर दी सबको बोल्ड के अंदर। तो ये आप देख लें इसमें। फिर नीचे जो चीज़ है ये 141/10, यहाँ पे वो कोटा को मेंशन कर रहा है। तो इसमें कोटा में समझने वाली बात ये है कि जैसे आर से मुराद रूरल है और यू से मुराद अर्बन है, टी से मुराद टोटल सीट्स हैं, एक और एक दो होती है ना टोटल, तो इस तरह उसने इसको कैटेगराइज किया है, परेशान नहीं होना। तो सब की अलग अलग उसने कैटेगरी की है, जैसे ये 15 थी ना, ये ऊपर 14 होगी और एक नीचे वाली 15 टोटल कर दी, तो ये सारी सब उसने कैटेगराइज जिस तरह की हुई हैं। और यहाँ पे एज बता रहे हैं, ये एज देख लें, सब पोस्ट की सब की अलग अलग एज मेंशन है। फिर ये इंफॉर्मेशन कुछ हैं ये पढ़ लें, यानी कि आपने फीस 500 पे करनी है, करनी कहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने इनकी फीस पे करनी है। और ये सारी डिटेल इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपने पढ़ लेनी है, वेबसाइट भी बताई हुई है, यहाँ से आपने अप्लाई इस वेबसाइट से करना है, नीचे मैं आपको अप्लाई करवाता हूँ, आप परेशान हो। लास्ट डेट क्या है, 21 अप्रैल है, और ये एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, ये सारे डिटेल पढ़ लें आप। यहाँ पे ये वेबसाइट है जिससे आप मौजूद हैं, ये वाली जिसके साथ आपने कनेक्ट करना है, ये यहाँ पे उसने तस्वीर ऐड की है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसने पेश की है, ये देख लें। उसके बाद ये सारे अप्लाई करना कहाँ से, यहाँ से करना है डाउनलोड, यहाँ से करना है चलान फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करनी है आपने, ये उसका एड्रेस है। फिर नीचे हम वही एडवर्टाइजमेंट जो है वो PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है, 3 पेज हैं इसके, और इसको हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। नीचे उसने अपने लिंक मजीद दिए हुए हैं, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का दिया हुआ है, फिर उसने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फिर ट्विटर का भी लिंक उसने दे दिया है कि आप इनसे जो इनके अकाउंट हैं इनको फॉलो करें, और यहाँ से भी मज़ीद जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके मुतालिक आगाही लेते रहें ताकि आपको कोई मसला ना हो, कोई जॉब्स आती आप रहें। फिर ये फेसबुक का भी दिया है, व्हाट्सएप का भी दिया है, ग्रुप्स हैं इनके, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो इन नंबरों पर मैसेज करके आप ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। अब हम ना यहाँ से पहले तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट इस तरह डाउनलोड होती है। फिर जो है हम देखते हैं इसका फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, तो ये जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। फिर हम अप्लाई करने का तरीका जो है वो सीखते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। अगर आपका अकाउंट है तो वैलन कोड यहाँ से लॉग इन कर लें, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर आपको रजिस्टर करना होगा, जैसे कि ऊपर क्रिएट अकाउंट है तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेंगे, न्यू अकाउंट,
यहाँ पे आप आना, CNIC मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना पासवर्ड दे के कन्फर्म करके ये सक्सेसफुल अकाउंट बन गया। यहाँ से फिर लॉग इन कर लेंगे आप, उसके बाद आपका जो है वो आगे पेज आ जाएगा। फिर यहाँ से अपनी डिटेल उसको आपने प्रोवाइड करनी है, और जैसा नेम, फादर नेम, ईमेल अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नेम, पोस्टल एड्रेस, ये सारी डिटेल उसको आपने प्रोवाइड करनी है। ये प्रोवाइड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करके आप अगले पेज पे चले जाएंगे। जहाँ से एजुकेशनल इंफॉर्मेशन उसको देंगे आप, वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल यानी कि जो बता रहे हैं वो आपने ऐड करनी होती है। जहाँ से सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, तो जैसा कि मैंने ये सारी डमी ऐड कर दी है मैट्रिक PhD। फिर हम बात करें नेक्स्ट पे जाके रजिस्ट्रेशन कोर्सेज की करेंगे, तो कोर्सेज कौन कौन से ये सारी आपने उसको बताने हैं जो डिप्लोमे की होंगे। फिर ये आगे मदीद जो है वो ऐड कर रहे हैं सबको, रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो ऐड करेंगे, जॉब टेट जो जॉब पे कर रहे हैं नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से ये सारा जो डिटेल है उसको आप देंगे, अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है। तो उसके बाद सेव या फिनिश कर देंगे, सेव करके फिनिश करेंगे तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना मज़ीद जो आगे डिटेल होगी, जैसे ये आप फॉर्म बन गया है, मैंने थोड़ी सी चीज़ें ऐड की हैं, आप पूरी चीज़ें आप जब ऐड करेंगे तो सारी डिटेल जो होगी वो आपको पूरी पूरी शो होगी, और इस तरह जो है आपका कंप्लीट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, अप्लाई कर लेंगे आप। तो आपसे गुजारिश अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक इतना ही, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।